हाथी और रस्सी की कहानी। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वह जब वहां हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर से रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरों में बंद कर रखा जाता होगा या फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वह का दृश्य तो बिल्कुल उल्टा था। उसने महावत से पूछा, भाई आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को। ये तो इस रस्सी को तो बड़ी ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये ऐसे तोड़ क्यों नहीं रहे। महावत ने उसे बताया, ये हाथी जब छोटे थे तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे इसलिए रस्सी को तोड़ पाना इनके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये मान ली कि रस्सी इतनी मजबूत है कि वे उसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही सोच बरकरार कर है। इन्हें आज भी लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। सीख दोस्तों, उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मंतिशक में बिठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम में असफल होने के बाद उसमें कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस नकारात्मक सोच के कारण हम कभी प्रयास ही नहीं करते। आवश्यकता है इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर दूर करने की जो हमारी असफलता का कारण बनी। नकारात्मक सोच हमारी सफलता से सबसे बड़ी बाधक है, इसलिए नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को तोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाएं और जीवन में प्रयास करना सभी ना छोड़े, क्योंकि प्रयास करना सफलता की दिशा में कदम बढ़ाना है।